हेलो एंड वेलकम टू टॉयज पिटारा। ये है पबजी हाई एक्यूरेसी माउजर पिस्टल टॉय गन। इसका प्राइस है लेस देन ₹500 और देखने में ये किसी रियल पिस्टल से कम नहीं है। तो आज इसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे और साथ में पिस्टल के कंपोनेंट्स को भी समझेंगे। ये पिस्टल एक सिंपल से प्लास्टिक पाउच में अवेलेबल होती है, बट इसका लुक नो डाउट इट इज़ फैबुलस। और इस पिस्टल को ऑपरेट करने के लिए मिलते हैं ये राउंड प्लास्टिक बुलेट्स। ये बुलेट्स रीयूजेबल हैं, लेकिन हमें इन्हें यूज़ करते हुए ये ध्यान रखना है कि हम इन्हें अपनी और दूसरों की आई से बचा कर रखें। पिस्टल का कलर ब्लैक कलर का है और ये मुझे 9mm पिस्टल की याद दिलाता है। टॉप पर आप देख सकते हो इसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है, विच इज हाई एक्यूरेसी P729। इस पिस्टल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका फ्रंट साइड, बैक साइड और रियर साइड सभी तरफ एकदम रियलिस्टिक लुक दिया गया है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस आप इस पिस्टल को इस स्केल की हेल्प से इसकी डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हो इसकी लेंथ है ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। और इस पबजी पिस्टल की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें रियल पिस्टल की तरह एक मैगजीन भी दी गई है। उसके लिए इस बटन को प्रेस करना है और फिर सिंपली आप मैगजीन को इस तरीके से बाहर लेकर आ सकते हैं। मैगजीन में यहाँ पर बुलेट्स फिट की जाती हैं, तो सिंपली इस तरीके से स्प्रिंग को नीचे करके इसमें हम बुलेट्स फिट करते हैं। Then again, I am inserting this magazine inside the pistol mount. And now at this point of time, this is ready for the shoot. ये PUBG पिस्टल completely प्लास्टिक मटेरियल से बनी हुई है, जिसकी वजह से ये लाइट वेट है, तो इसके गिरने से ऑफ कोर्स किसी भी तरीके की इंजरी का तो डेंजर नहीं है। हाँ, लेकिन हमें इसके बुलेट्स को टारगेट करते हुए अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रखना है। इसकी ग्रिप भी काफ़ी कंफर्टेबल है, जिसकी वजह से टारगेट को हिट करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। पिस्टल से निशाना लगाना कोई आसान बात नहीं है। निशाना लगाने के लिए एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस और कॉन्सेंट्रेशन तो मस्ट है। निशाना लगाते वक्त हम अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट पाम पर रेस्ट कर सकते हैं ताकि एक्यूरेट निशाना लगे। एब्सोल्यूट निशाना लगाने के लिए हमें अपनी सांस तक रोकनी होती है। पिस्टल का ये छोटा सा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसे हैमर कहते हैं। फायरिंग करते वक्त ये हैमर मूव करता है और फायरिंग के वक्त ये हैमर आगे की ओर फायरिंग पिन को चोट मारता है, जिससे कि बुलेट आगे निकलती है। अब क्योंकि ये केवल एक टॉय गन है, तो इसमें फायरिंग पिन और हैमर की मूवमेंट तो इन्वॉल्व नहीं है। ये स्प्रिंग के एक्शन पर काम करती है, जिसके लिए हमें स्लाइड को इस तरीके से पीछे लेकर जाना होता है और उसके बाद ये फायरिंग के लिए रेडी हो जाती है और ट्रिगर को प्रेस करते ही बुलेट टारगेट को हिट करती है। और ये तो आपको पता ही होगा कि रियल पिस्टल की रेंज 25-30 मीटर तक होती है, लेकिन वो 1 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को टारगेट कर सकती है। निशाना लगाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी नज़र यहाँ रियर साइड से होते हुए यहाँ फोर साइड से निकलती हुई सीधा टारगेट पर जाकर लगे। तो अब फायरिंग सेशन शुरू करते हैं और इस पिस्टल की एक्यूरेसी चेक करते हैं। तो मैं अब अपने सामने ये एनिमी टैंक को शूट करने का ट्राई करती हूँ। हियर गोज माय सेकंड शॉट। फ्रेंड्स, इस पिस्टल को यूज करने के एक्सपीरियंस में एक इरिटेटिंग पॉइंट भी था, और वो पॉइंट ये था कि ये एक दो बार इसमें बुलेट्स जैम हो रही थी, लेकिन उन बुलेट्स को निकालना काफ़ी आसान था। बट कंसिडरिंग इसका प्राइस, वो इशू को थोड़ा सा निगलेक्ट किया जा सकता है। एंड इसकी बुलेट्स बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ निकलती है, उसको कैमरे में कैप्चर करना भी बड़ा ही डिफ़िकल्ट था, इसलिए मैंने उसे स्लोमो में भी कैप्चर करने की कोशिश की है। तो आप ये शॉट ज़रूर चेक कीजिए। फ्रेंड्स, ये पबजी पिस्टल ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल है और आप अगर इसे परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू भी परचेज कर सकते हो।